ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको एक महायोगी की जीवन से जुड़ी हुई कुछ 24 राज की बातें बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। शास्त्रों के मुताबिक ईश्वर का ज्ञान स्वरूप वह शक्ति गुरु के रूप में पूजनीय है, इसलिए गुरु की सेवा, भक्ति और शक्ति इन तीनों को बुद्धि और विवेक से जीवन की तमाम परेशानियों से उबारने वाला माना गया है। हिंदू धर्म परंपराओं में गुरु व परब्रह्म के विलक्षण स्वरूप में त्याग, तप, ज्ञान व प्रेम की साक्षात मूर्ति भगवान दत्तात्रेय को माना जाता है। वे महायोगी व त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिगुण स्वरूप भी माने जाते हैं। बताया जाता है कि आदौ ब्रह्मा, मध्य विष्णु, रंत देवा, सदा शिवा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक ब्रह्मदेव के मानस पुत्र महर्षि अत्रि व कर्दम ऋषि की कन्या तथा सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल मुनि की बहन सती अनसुईया इनके पिता व माता हैं। अत्रि मुनि का पुत्र होने की वजह से भी इनको आत्रेय भी पुकारा गया है और दत्त व आत्रेय को मिलाकर दत्तात्रेय नाम हुआ। वे त्रिदोयों में भगवान विष्णु के सतगुणी अंश बताए गए हैं। भगवान दत्तात्रेय स्मर्दगामी है, वे अपने शरणागत भक्तों के बुलाने या स्मरण करने पर से फौरन संकट दूर कर देते हैं। मान्यता है कि रोज सवेरे काशी में गंगा स्नान करते हैं। इनका बीज मंत्र है ब्राह्म ब्राह्म। महायोगी दत्तात्रेय अवधूत व शिवविद्या के आदि आचार्य हैं। दत्तात्रेय ने शिव जी के पुत्रों श्री गणेश व कार्तिकेय को कई विद्याएं सिखाई, परशुराम को शिव विद्या प्रदान की, कार्तवीर्य अर्जुन को तंत्र विद्या सिखाई है, भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग की शिक्षा देकर श्रेष्ठ राजा बनाया, संकृति मुनि को वह अवधूत विद्या प्रदान की है। रसायन के जो सबसे ज्ञाता थे बड़े नागार्जुन, उनको भी रसायन विद्या भी दत्त कृपा से ही मिली है। गुरु गोरखनाथ को प्राणायाम, आसन, मुद्रा व समाधि, चतुरंग योग का मार्ग योगी दत्तात्रेय ने ही सिखाया। तो हम आपको बताने वाले हैं श्रीमद् भागवत पुराण में राजा यदु को उन्होंने बताया था गुरु का क्या महत्व है। साथ ही गुरु शब्द को समझाने के लिए अपने 24 गुरु बनाने के 24 रहस्य भी राजा को समझाए थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं दत्तात्रेय महाराज के 24 रहस्य जो उन्होंने बताए थे। पहली, पृथ्वी मतलब धरती और वायु मतलब हवा, सर्दी गर्मी बारिश को धैर्यपूर्वक सहन करने वाली, लोगों द्वारा मलमूत्र त्यागने और पदाघात जैसे अभद्रता करने पर भी क्रोध न करने वाली, अपनी कक्षा और मर्यादा पर निरंतर नियति गति से घूमने वाली पृथ्वी को मैंने गुरु माना है। फिर वायु मतलब हवा, अचल मतलब निष्क्रिय, अचल होकर ना बैठना, निरंतर गतिशील रहना, संताप्तों को सांत्वना देना, गंध को वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना, ये विशेषताएं मैंने पवन में पाई है और उन्हें सीखकर उसे गुरु माना है। फिर है आकाश, अनंत और विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांडों को अपनी गोदी में भरे रहने वाला, ऐश्वर्यवान होते हुए भी रंज पर अभिमान न करने वाले आकाश को भी मैंने गुरु माना है। फिर जल, सबको शुद्ध बनाना, सदा सरल और तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणत करना, वृक्ष वनस्पतियों होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जा पहुंचना, इतना अनुकरणीय महानताओं के कारण जल को मैंने गुरु माना है। फिर यम, वृद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, वृद्धि पर जो वृद्धि लगातार तो उसको संतुलन में ही बनाए रखना है, अनुपयोगी को हटा देना, मोह के बंधनों से छुड़ाना और थके हुए को अपनी गोद में विराम देने के लिए आवश्यक कार्य में संलग्न यम मेरे गुरु हैं। फिर अग्नि, निरंतर प्रकाशवान बने रहने वाले, अपनी उष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी लपेटे उधर मुख की रखने वाली, बहुत प्राप्त करके भी संग्रह के दूर रहने वाली, स्पर्श करने वाले को अपने जैसा बना लेने वाली,
समीप रहने वाले को भी प्रभावित करने वाली अग्नि मुझे आदर्श लगी, इसलिए उसे गुरु वर्ण कर लिया। फिर है चंद्रमा। अपने पास प्रकाश न होने पर भी सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहने वाले परमार्थी चंद्रमा मुझे सराहनीय लोक सेवक लगे। विपत्ति में सारी कलाएं छिन्न हो जाने पर भी निराश होकर ना बैठना और फिर आगे बढ़ने के साहस को बार बार करते रहना धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, यह देखकर मैंने उसे अपना गुरु बनाया। फिर सूर्य। नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरे को भी प्रकाशित करना, नियमितता, निरंतरता, प्रखरता और तेजस्विता के गुणों ने सूर्य को मेरा गुरु बनाया है। फिर है कबूतर। पेड़ के नीचे बिछी हुए जाल में पड़े दानों को देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र ना गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में फंसकर अपनी जान गवा बैठा। यह देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि लोभ से, आलस्य से और अविवेक से पतन होता है। यह मूल्यवान शिक्षा देने वाला कबूतर भी मेरा गुरु ही तो है। फिर अजगर। शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने और वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसकी इस सहनशीलता से उसे मैंने गुरु बना लिया। फिर समुद्र। नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे ना बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडारों का अधिपति होने पर भी नहीं इतराना, स्वयं होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करते रहने वाला समुद्र भी मेरा गुरु है। और फिर पतंगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे प्रभावित किया। ये सब दत्तात्रेय कह रहे हैं। जलते पतंगों को जब मैंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा कि इस नश्वर शरीर को महत्व ना देते हुए अपने आदर्श और लक्ष्य के लिए सदा त्याग करते रहने को उद्यत रहना चाहिए। फिर मधुमक्खी। फूलों का मधुर संचय कर दूसरों के लिए समर्पित करने वाली मधुमक्खी ने मुझे सिखाया कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। फिर भौरा। राग में आसक्त भौरा अपना जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर ही बैठा रहता है। रात को हाथी ने वो पुष्प खाया तो भौरा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग मोह में आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गंवाता है, अपने गुरु भौरे से यह शिक्षा मैंने ली। फिर हाथी। कामातुर हाथी मायावी हथनियों द्वारा प्रपंच में फंसाकर बंधन में बांध दिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणाम को समझा और उस विवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। फिर हिरण। कानों के विषय में आसक्त हिरण को शिकारियों के द्वारा पकड़े जाते और जिब की लोलुप मछली को मछुए के जाल में तड़पते देखा तो सोचा कि इंद्रिय लिप्सा के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा हित होता है, इसे बचे रहना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार ये प्राणी मेरे गुरु ठहरे। फिर पिंगला वेश्या। पिंगला वेश्या जब तक युवा रही तब तक उसके अनेक ग्राहक रहे, लेकिन वृद्ध होते ही वे सब साथ छोड़ गए। रोग और गरीबी ने उसे घेर लिया। लोक में निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर मैंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछताना भी बाकी रह जाता है, सो समय रहते ही ये सत्कर्म कर लेने चाहिए जिसके पीछे पश्चाताप नहीं करना पड़े। अपने पश्चाताप से दूसरों को सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला भी मेरे गुरु पद पर शोभित है। फिर है काक। काक मतलब कौआ। किसी पर विश्वास न करके और दुर्धता की नीति अपनाकर कौआ घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला और भक्ष खाकर संतोष करना पड़ा। यह देखकर मैंने जाना कि
धूर्तता और स्वार्थ की नीति अंततः हानिकारक हो जाती है। यह सिखाने वाला कौआ भी मेरा गुरु हुआ। फिर अबोध बालक राग द्वेष चिंता काम लोभ क्रोध से रहित जीव कितना कोमल सौम्य और सुंदर लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है, यह मैंने अपने नन्हे बालक गुरु से जाना। मतलब बालक को मैंने गुरु माना। फिर स्त्री एक महिला चूड़ियाँ पहन धान कूट रही थी। चूड़ियाँ आपस में खड़कती थी। वो चाहती थी कि घर के आए नए मेहमान को इसका पता ना चले, इसलिए उसने हाथों की बाकी चूड़ियाँ उतार दी और केवल एक ही रहने दी, तो उनका आवाज़ आना बंद हो गया। देख मैंने सोचा कि अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते हैं, पर यदि एक लक्ष्य नियत कर लिया जाए तो सभी उद्वेग शांत हो जाएंगे। जिस स्त्री से प्रेरणा मिली वो भी मेरी गुरु हुई। फिर लोहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके हथेड़ी की चोट से कई तरह के औजार बना रहा था। उसे देख समझ लिया कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाला इंसान भी यदि अपने को तपने और चोट सहने को तैयार कर ले तो खुद ही उपयोगी बन सकता है। फिर है सर्प मतलब सांप, दूसरों को त्रास देता है और बदले में सबसे त्रास ही पाता है। यह शिक्षा देने वाला भी मेरा गुरु ही है और यह बताता है उदंडता आतताई आक्रामक और क्रोधी होना किसी के लिए भी सही नहीं है। फिर है मकड़ी अपने पेट में रस निकालकर उसे जाला बुन रही थी और जब चाहे उसे वापस पेट में निकल लेती थी। उसे देखकर मुझे लगा कि हर इंसान अपनी दुनिया अपनी भावना अपनी सोच के हिसाब से ही गढ़ता है, और यदि वो चाहे तो पुराने को समेट कर अपने पेट में रख लेना और नया वातावरण बना लेना भी उसके लिए संभव है। फिर है भृंग कीड़ा एक झिंगूर को पकड़ लिया गया है। भृंग कीड़ा एक झिंगूर को पकड़ लाया और अपने भुनभुनाहट से प्रभावित कर उसे अपने जैसा बना दिया। यह देखकर मैंने सोचा कि एकाग्रता और तन्मयता के द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में भी सफल हो सकता है। इस प्रकार भृंग भी मेरा गुरु हुआ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।